हेलो जी, नमस्कार। तो दोस्तों, क्या आपको भी वो लड़की इग्नोर करती है? यार हाँ, कभी ऐसा होता है कि आप उसे देख रहे हो, पहले तो वो बहुत अच्छे से दिखती थी लेकिन आजकल इग्नोर करके चली जाती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो पहले तो बहुत अच्छे से फ़ोन पे बातें करती थी लेकिन अब फ़ोन पे बात नहीं करती, तो अचानक से इग्नोर करती है। यार पता है, देखो कभी कभी ना कई सारे रीज़न होते हैं कि लड़की इग्नोर कर जाती है। यस, और पता है आपको कि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी लड़की को बहुत लाइक करते हो, आप उसके पीछे सब कुछ कर लेते हो लेकिन ले देखे वो लड़की आपको इग्नोर करती है। ऐसा होता है क्या आपके साथ? यस, होता है, क्योंकि कभी कभी लड़की सोचती है कि कुछ भी हो जाए स्कूटी से गिर जाऊंगी पर इसके प्यार में नहीं गिरूंगी, और ये सोचकर आपको इग्नोर करती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, जो मुझे पता है कि आपके साथ हो रहा है, सच बताओ ना, हो रहा है ना? यस, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। और आज मैं आपको बताती हूँ, कोई लड़की अगर आपको अचानक से इग्नोर करती है, यस अचानक से, या फिर ऐसा भी होता है कि पहले तो बहुत मज़े लेके फ़ोन पे बातें करती थी, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती थी लेकिन आजकल इग्नोर करती है, तो ऐसा क्या करे यार कि लड़की इग्नोर करना बंद करके फिर आपसे अच्छे से बातें करे, भले वो फ़ोन पे हो या फिर चैट पे हो। तो आपको जानना है? यस, चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके लिए यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए बताते हैं। दोस्तों यार, नंबर वन, पहले हम बताते हैं कि कोई पहले तो बहुत अच्छे से बातें करती थी लेकिन अब इग्नोर करती है। तो देखो, इसका पता है क्या रीज़न है? कभी कभी क्या होता था ना, पहले वो आपसे, उसके दिल में कुछ फीलिंग्स नहीं था, वो आपसे बहुत अच्छे से बातें करती थी ऐसे ही फ्रेंडशिप नॉर्मली, लेकिन जब उसे लगने लगा कि आप, उसके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स आ गया, तब वो इग्नोर करती है। अब आप बोलोगे कि फीलिंग्स आ गया तो इग्नोर करती है क्यों? तो यार देखो, कभी कभी लड़की को लगता है ना कि यार लव मैनेज करूँगी, घर पर पता चलेगा लव करूँगी तो घर पर प्रॉब्लम होगा, या फिर कभी कभी ये लगता है कि यार उसका कास्ट अलग है, कुछ डिफरेंट है, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसे लगता है कि थोड़ा सा फीलिंग्स तो आ गया है तो अब इग्नोर करने लगती है, तो जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पहले बहुत अच्छे से बातें करती थी लेकिन अब इग्नोर करती है। अब यार यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि गर्लफ्रेंड है इग्नोर कर रही है, मतलब पहले बहुत अच्छे से आपकी गर्लफ्रेंड बात करती थी लेकिन अब इग्नोर कर रही है, जो कि मुझे बहुत सारा मैसेज आता कल लाइव पे। तो इसका पता है रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो सब कोई घर पे है, और अगर उसके भी घर वाले घर पर है ना, तो विश्वास करो बात करने में दिक्कत होती है, इसी वजह से वो आपको इग्नोर करती है। नंबर इसका तीसरा रीज़न होता है कि कोई उसके लाइफ में है। मैंने आपको बताया था कि कोई लड़की का अगर बॉयफ्रेंड है तो उसे भी आप इंप्रेस कर सकते हो, तो हो सकता है कि कोई लड़का उसके लाइफ में आया है और आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बातें कर रहा है, तो वो आपको करिए इग्नोर और उससे करिए फ़ोन पर बातें। ये रीज़न है कि वो आपको इग्नोर करती है। हाय भैया, ये तो बुरा बात है ना, लेकिन अब करना क्या है? तो मैं हाजिर हूँ यार, मैं बताती हूँ ना क्या करना है। सबसे पहले नंबर वन, अगर आपका किसी भी वजह से उसके गुस्सा, ब्रेकअप ये सब हुआ है, ऐसे झगड़ा हुआ है, तो आप उससे सॉरी बोलकर अच्छा से बातें कर लो। यार देखो, वो आपको मनाने नहीं आ रही इतना दिन से, ठीक है, और अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो आपको बोलना पड़ेगा सॉरी। तो इसलिए सॉरी बोलने से किसी की अहमियत तो घटती नहीं है, तो आप सॉरी बोल सकते हो। और नंबर दूसरा, अगर लॉकडाउन के वजह से प्रॉब्लम है तो उसकी थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे दिन भर फ़ोन पे बात करने के लिए नहीं होता, प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो उससे पूछ लो कि क्या घर का दिक्कत है। अगर वो बोलते हैं घर का दिक्कत है तो उस चीज़ को समझो, क्योंकि घर की दिक्कतें हो सकती है। नंबर तीसरा, कैसे पता करें कि उसके लाइफ में कोई आ गया है? यार देखो, सबसे पहला बात, अगर उसके लाइफ में कोई आ गया है ना, वो आपको अचानक से इग्नोर करने लगे लेकिन वो ऑनलाइन वगैरह है, आपका मैसेज सीन करिए, लेट रिप्लाई करिए, किसी और का रिप्लाई करिए, तो आप देखोगे क्या वो ऑनलाइन है, क्योंकि अगर ऑनलाइन है और आपसे बात नहीं कर रही है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। यस, तो ये रीज़न है कि अगर ऑनलाइन है और बात नहीं करी तो खतरे की घंटी है। अब इसके लिए आप बोलोगे कि यार मेघा, आप तो बता दी लेकिन अब करना क्या है? तो करना आपको यही है कि उसके थोड़ा ज़्यादा टाइम दो और उसे थोड़ी प्यारी प्यारी बातें करो, क्योंकि एट द एंड गर्लफ्रेंड आपकी है, भले ही उसके साथ अभी थोड़ा थोड़ा बात हो ही रहा है ना, आप ऐसे करो तो विश्वास करो आपके साथ फिर से अच्छा से हो जाएगा। अब दूसरा नंबर आता है कि पहले तो मुझे देखती थी, आजकल पता नहीं क्यों देखती नहीं देखती। अब देखो, इसका भी सेम रीज़न है, पहले वो देखती थी, हो सकता है उसे घर वालों, किसी को पता हो गया कि वो आपको देख रही है, तो उसे डर है कि घर पर पता चल जाएगा या कुछ भी नहीं है और फिर भी पंगा हो जाएगा, तो आपको इग्नोर करने लगी। या फिर नंबर दूसरा, पहले वो आपको देखती थी, आपको वो साइन देती थी लेकिन आपने मेरी वीडियो तो देखी फिर भी साइन को नोटिस नहीं किया, और इससे पता है क्या हुआ? इससे ये हुआ कि वो सोची कि आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं हो और वो किसी और पर इंटरेस्टेड होने लगी जो उस पर इंटरेस्टेड है। इसलिए यार ये चीज़ होने ही मत देना, क्योंकि बस अब तो बात भी नहीं हो रही है, तो कभी अगर आपको लगे कि वो इंटरेस्टेड है, स्माइल वगैरह दे रही है, तो जाकर बात तो कर ही लो, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो या फिर हिम्मत है तो सामने से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि बात ही नहीं किए, नहीं तो आज तो वो आपको बहुत अच्छे से देख रही है लेकिन कल नहीं देखेगी,
इसलिए इस चीज को नोटिस कीजिए कि अगर ऐसे ही देख रही है, स्माइल दे रही है ना, तो बात कर लीजिए, नहीं तो पता चला बाद में बात करना बंद, देखना उखना बंद। ये आप समझ गए? यस। नंबर तीसरा रीजन आता है कि देखो, सबसे मेन रीजन कि कभी कभी कोई लड़की आपको देखती है, आपको लग तो रहा है कि वो आपको देख रही है पर वो आपको नहीं देख रही। यस। इसका मतलब पता है क्या? पहले पहले आपको लग रहा है यार मुझे देख रही है, मुझे ही देख रही है, लेकिन विश्वास करो उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हो सकता है वो ऐसे ही मज़े लेने के लिए देख रही है कि मैं भी थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ, बस उसका थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स वगैरह है नहीं, बस ऐसे ही देख रही है। नंबर फोर्थ रीज़न आता है कि कई बार कोई लड़की आपके बारे में कुछ सुनी होती है कि पता है वो लड़का ना ऐसा है, ऐसा ऐसा किया था, वो बोलती है हाय तौबा सच में, तो फिर आप दिख जाते हो, तो वो सोचती है अरे ये तो वही लड़का है ना, ये वही लड़का है, ये वही लड़का, वो आपको देखते हैं और आप तो सोचते हो आपके दिल में पता नहीं क्या क्या अरमान जग जाते हैं। आप सोचते हो कि यार अब तो हमारी से मतलब अब तो वो इम्प्रेस है, अब तो हमारी बातें होगी, वाह वाह, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले आप देख लो कि वो हो सकता है कि वो अचानक से इग्नोर नहीं कर रही है, उसके दिल में कुछ था ही नहीं और आपको लग रहा है। तो दोस्तों इसके लिए घुमा फिरा के मेरा बोलने का मतलब ये है कि इग्नोर कर रही है, अगर आपको लग रहा है इग्नोर कर रही है, तो पहले अच्छे से बातें कर लो, ठीक है। अब नंबर दूसरा, बात तो कर लिया आपने, इग्नोर तो वो कर रही थी, यानी जो पहले वाले इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो यार मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी के पीछे आप जितना भागोगे ना, वो आपसे और उतना दूर भागेगा। इसीलिए एक काम करो, आप उससे थोड़े दिन के लिए इग्नोर करने लगो, फिर आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। यस। तो अगर आपको लगता है कि वो ऐसे इग्नोर कर रही है, आपने सब कुछ कर लिया, कुछ दिन के लिए आप बस उसे इग्नोर करो, 4-5 दिन के लिए एकदम इग्नोर। उसकी इग्नोर मतलब ऐसा नहीं कि स्टेटस भी देख लिया, उसका स्टेटस भी नहीं चेक करना आपको। या फिर कोई लड़की पहले तो आपको देख रही थी, अचानक से नहीं देख रही ना, 4-5 दिन आपको लग रहा है कि सब कुछ कर लिया, अब एकदम देखना बंद कर दो। अब वो सोचेगी यार मुझे क्यों नहीं देख रहा, वो मुझे क्यों नहीं देख रहा, तब वो फिर से इंपॉर्टेंस देगी। इसलिए कभी कभी ना थोड़ा आगे चलते चलते पीछे भी चलना पड़ता है, ताकि सामने वाला को रियलाइज हो, ये घूम के देखे कि कहीं वो मेरे पीछे आ तो रहा है या फिर कहीं और चला गया। आप समझे? यस, आप समझ गए हो। तो अगर कुछ भी ना हो तो कुछ दिन इग्नोर कर लो, और मैं आपको फिर बोलती हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो तो उससे आगे बढ़ जाओ, लाइफ में बहुत कुछ है, आपकी फैमिली, आपके करियर है, कोई और लड़की मिल जाएगी जो आपके लिए परफेक्ट होगी। ओके, अभी ऐसे ही नहीं सोचने का, और सोच सोच के ऐसे नहीं कि आपने अपना तबीयत खराब कर लिया। पता है आपने अगर थोड़ी भी अपनी तबीयत खराब की ना, एक बार छींक भी आया तो सबको लगे कि कोरोना हो गया। इसलिए यार सोच सोच के तबीयत मत खराब करना, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, चैनल पर पहली बार आए हो तो मिस रानी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं, ओके।